वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी, जिसे हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ धनिया, 4 आलू, 3 शिमला मिर्च, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1 प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड कर देंगे, 2 लौंग और 4 काली मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, उसे ब्राउन होने तक भून लेंगे, फिर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को भून लेंगे, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, उसके बाद इसे चलाते हुए भून लेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर को हल्का भून लेंगे, टमाटर थोड़ा भुन जाने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, फिर उसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, पानी ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी और ये अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, आलू के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। नमक डालने के बाद इसे स्पैचुला की हेल्प से मिला देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिड लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद इसे बीच बीच में हटाकर देख लेंगे हमारे आलू पक गया है कि नहीं। ये देखिए हमारा आलू हल्का पक गया है। ध्यान रहे कि हमें आलू को पूरा नहीं पकाना है, आधा पकाना है। आलू आधे पक गए हैं, इसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर दें और फिर इसके ऊपर लिड लगाकर इसे 5 से 7 मिनट के लिए फिर से पकाएं। ध्यान रहे गैस को धीमी रखें। उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसके ऊपर लिड लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से पका लें ताकि गरम मसाले की खुशबू इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। गैस को बंद कर दें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर चॉप की हुई हरा धनिया डाला है। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल सूखी बनकर तैयार है। इसे हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।